मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोगों को अभी गुणनखंड का क्लास ले रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को गुणनखंड का क्लास नंबर 4 लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड कैसे बनता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी दी हुई संख्याओं को दो या दो से अधिक भागों के गुणनफल को गुणनखंड कहते हैं। किसी दी हुई संख्याओं को दो या दो से अधिक भागों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। हम आप लोगों को गुणनखंड के नियम बताए थे। तो पहला में बताए थे कि दो अंतिम पदों को आपस में गुना किया जाता है। और मध्य पद को इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुना करने पर अंतिम पद, जोड़ने और घटाने पर मध्य पद है। दो अंतिम पदों को आपस में गुना करते हैं और मध्य पद को इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुना करने पर अंतिम पद तथा जोड़ने और घटाने पर मध्य पद है। तो एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है? 1। तो 1 में यहाँ पर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 28 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे। अब देखें, 28, तो 7 में और 4 से गुना करने पर 28 तो आ जा रहा है। एड करके देखेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 तो नहीं हो रहा है, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, ये क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। यानी कि क्या करने पर आ रहा है? घटाने पर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 28। तो हम आपको बोले हैं, यदि किसी कोष्टक के पहले माइनस दिखाई दे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x होगा, और ये x एक बार 7 में गुना कर देंगे, एक बार 4 में गुना कर देंगे। और कोष्टक के पहले माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और यहाँ पर माइनस 28 हो गया। अब यहाँ पर x कॉमन कर देंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 होगा, और यहाँ पर प्लस 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 होगा। अब इसको गुना करके जांच लेंगे। एक्स एक्स में गुना की एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 में एक्स से गुना करे तो माइनस 7x हो गया, प्लस 4 में एक्स से गुना किया तो प्लस 4x हो गया, और प्लस माइनस माइनस और 28 हो गया। तो ये और ये मिलना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है? सही बन रहा है। तो देखिए, हम आप लोगों को बोले थे जो मिलेगा उसको एक बार लिख देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको एक बार लिख देंगे। इसी तरह हमारा ये गुणनखंड बन गया। अगला देखेंगे, अगला अभी है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60। तो हम आपको बोले थे कि दो अंतिम पदों को आपस में गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है? 1। 1 में और 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। 1 में और 60 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और 15 चौका 60 और 10 छक्का 60। यानी देखेंगे कि 60 कौन कौन सा टेबल में आता है। तो 15 के टेबल में 4 बार में आता है और 10 के टेबल में 6 बार में आता है। तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 15 में से 4 घटा लेंगे तो 11 होगा। ये नियम लागू हो जा रहा है घटाने पर, और ये क्या हो जा रहा है? गलत, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 16 होगा और घटाएंगे तो 4 होगा। यहाँ पर ना 16 दिया है ना 4 दिया, इसलिए कैंसिल कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर 15 माइनस 4x माइनस 60 हो गया, 60 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 60। यानी कि हम आप लोगों को बताए थे, यदि किसी कोष्टक के पहले माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि x कॉमन जा रहा है, तो x माइनस 15 हो गया और प्लस 4 कॉमन कर लिए तो x माइनस क्या हो गया? 15 हो गया। अब इसको गुना करके जांच कर लें। एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 15 में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस 15x,
प्लस फोर एक्स गुना करेंगे प्लस फोर एक्स और प्लस माइनस माइनस पंद्रह चौका साठ हो गया और ये मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे यानी कि ये भी क्या हो गया बन गया। आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस पंद्रह है तो एम स्क्वायर का गुणांक कितना है वन है तो पंद्रह में वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा पंद्रह होगा। आप देखेंगे पंद्रह कौन कौन सा टेबल में आता है पचती पंद्रह तो अब एक बार जोड़कर और घटाकर चेक करेंगे यानी कि जोड़ने और घटाने पर कौन सा पद आना चाहिए मध्यम पद आना चाहिए यानी कि बीच वाला तो पांच में से तीन घटाएंगे तो दो आ जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस पांच माइनस तीन एम माइनस पंद्रह हो गया तो एम स्क्वायर माइनस पांच एम माइनस तीन एम यानी कि एम को एक बार फाइव से गुना कर देंगे और एक बार थ्री से गुना कर देंगे यदि किसी कोष्टक के पहले माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो माइनस पंद्रह। अब यहाँ पर एम कॉमन हो रहा है तो एम माइनस फाइव और यहाँ पर प्लस थ्री कॉमन हो रहा है तो एम माइनस फाइव हो गया। अब इसको गुना करके चेक कर लेंगे एम एम में गुना करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फाइव में एम से गुना करें तो फाइव एम प्लस 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 थ्री में एम से गुना करें तो थ्री एम प्लस माइनस माइनस पचती पंद्रह तो एम प्लस तीन और एम माइनस फाइव एम माइनस फाइव यानी कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे इधर और उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है वन है तो वन में और बारह से गुना करेंगे तो क्या होगा बारह होगा वन में बारह से गुना करेंगे तो क्या होगा बारह होगा। अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर मध्य पद आना चाहिए और गुना करने पर अंतिम पद तो चढ़ती आई बारह चढ़ती आई बारह हो गया जोड़ेंगे तो सात सात तो नहीं दिया है चार में से तीन घटाएंगे तो वन वन दिया है ये सही हो गया यानी कि घटाने पर एक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस तीन माइनस एक चार माइनस तीन एक्स और बारह। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया एक्स को एक बार फोर से करेंगे एक बार थ्री से और यदि किसी कोष्टक से पहले माइनस हो तो अंदर का चीज चेंज हो जाता है तो माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस बारह हो गया तो अब यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस फोर हो गया और प्लस थ्री कॉमन कर लेंगे तो x माइनस फोर हो गया। अब देखिए x x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस फोर में x से गुना करेंगे तो फोर एक्स हो जाएगा और प्लस थ्री में x से गुना करें प्लस थ्री एक्स और प्लस माइनस माइनस चढ़ती आई बारह। हम बोले कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे x माइनस फोर और एक बार x प्लस थ्री लिख देंगे जो नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे। उसी तरह फाइव नंबर प्रश्न को बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए फाइव नंबर प्रश्न में भी वही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है वन है और यहाँ पर क्या है छत्तीस है तो वन में छत्तीस से गुना कीजिएगा तो छत्तीस होगा। अब ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें छत्तीस आता है तो नचौका छत्तीस नचौका छत्तीस बढ़ती आई छत्तीस। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने और घटाने पर मध्य पद आना चाहिए तो फाइव नाइन में से फोर घटाएंगे तो फाइव आएगा और जोड़ेंगे तो कितना होगा तेरह होगा तो फाइव आ रहा है घटाने पर और जोड़ने पर नहीं आ रहा तो ये नियम क्या होगा लागू होगा और ये क्या हो जाए गलत क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो पंद्रह होगा और घटाएंगे तो नौ होगा ये नहीं दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस नौ माइनस चार एक्स माइनस छत्तीस। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस छत्तीस यानी एक्स को एक बार नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फोर से करेंगे यदि किसी कोष्टक के पहले माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर एक्स कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस नाइन होगा और प्लस फोर कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस क्या होगा नाइन होगा
अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, नाइन में एक्स से गुना करेंगे नाइन एक्स, प्लस फोर में एक्स से गुना करेंगे प्लस फोर एक्स, प्लस माइनस माइनस न चौका 36। तो हम आप लोगों को बोले कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे, x माइनस नाइन और x प्लस फोर, यानी कि इसी तरह हमारा फाइव नंबर गुणनखंड भी बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, गुणनखंड को बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।